हेलो एवरीवन, हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 119 पे जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, लेट्स रीड द सम। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसर्न, हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। Receipts and payments account for the year ended 31st March 2018 हमें दिए गए हैं। So, जैसे receipts payments आता है, हम पहले क्या करेंगे, कौन से amounts income expenditure में जा रहे हैं उनके आगे हम I लिखेंगे, और जो जो amounts balance sheet में जा रहे हैं उनके आगे हम B लिखेंगे। So, let us read। Receipt side पे देखो क्या है, admission fees है, income expenditure में जाएंगे, subscriptions income expenditure, donations income expenditure, ठीक है। और payment side पे क्या क्या है देखो, फर्नीचर है तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट इनकम एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स इनकम एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंसेस जो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के वो भी मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट्स देखते हैं और जहां जहां एडजस्टमेंट्स है वहां हम स्टार कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5000, तो सब्सक्रिप्शन के आगे स्टार करना है। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम, तो फर्नीचर के आगे स्टार। एंड लास्ट इज फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब एडमिशन फीस पूरा मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ पे मुझे आई निकाल के बी लिखना है फॉर बैलेंस शीट। एंड सेकेंड इज 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो डोनेशंस के आगे भी मैं स्टार कर लेती हूँ। ऑलराइट, अभी मुझे क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018। अभी क्या करेंगे, वन बाय वन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दीज अमाउंट्स। फर्स्ट अमाउंट क्या है, एडमिशन फीस है 22,000, तो एडमिशन फीस जैसे हमें दिया गया है दे हैव टू बी कैपिटलाइज्ड, तो बैलेंस शीट में मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है, कैपिटल फंड आई एम गोइंग टू ऐड एडमिशन फीस, अमाउंट इज 22,000। ऑलराइट, आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन है और डोनेशन है, दोनों भी मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे क्रेडिट साइड पे, तो यहां पे लिख लेते हैं इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 40,000 रुपीज, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर आर सम एडजस्टमेंट्स। एंड नेक्स्ट इज कुछ रोज छोड़ने के बाद हम लिखेंगे बाय डोनेशंस 18,000, ओके। देखिए अभी पेमेंट साइड की ओर चलते हैं, पेमेंट साइड में फर्स्ट इज फर्नीचर, तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, सो एसेट साइड पे मुझे लिखना है फर्नीचर अमाउंट इज 12,000। ऑलराइट, ओके, आगे स्टेशनरी एंड ऑफिस रेंट दोनों भी मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, तो मुझे डेबिट साइड पे चलना है इनकम एक्सपेंडिचर के, और यहां पे मुझे लिखना है टू स्टेशनरी अमाउंट इज 4,000 रुपीज एंड टू ऑफिस रेंट 2,600। ओके, आगे न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स है 300 एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस है 560, तो दोनों भी डेबिट साइड पे आएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के। टू न्यूज़पेपर्स 300, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 560, ओके, आगे इन्वेस्टमेंट्स है तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड पे 23,000, तो यहां पे मुझे लिखना है इन्वेस्टमेंट्स
अमाउंट इज 23,000। आगे क्या है देखो, आगे है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बैलेंसेस, दोनों भी बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट साइड पे, 7,540 एंड 30,000। तो एसेट साइड पे चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे कैश इन हैंड 7,540 एंड कैश एट बैंक अमाउंट इज 30,000। ऑलराइट, ओके, चलो इसको भी अभी टिक कर लेते हैं। ओके, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के सारे अमाउंट्स हमने ट्रांसफर कर लिए, लेट अस मूव टू एडजस्टमेंट्स नाउ वन बाय वन। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वाज 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है मतलब ये मुझे एड करना है मेरे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में, तो आई एम गोइंग टू एड हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। How much is the amount? 5,000. Outer column 45,000. Correct? और ये जो 5,000 subscription है ये मुझे future में मिलने वाला है, that becomes my asset. तो balance sheet में मुझे asset side पे लिखना पड़ेगा outstanding subscription. Amount is 5,000, करेक्ट, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, देखो फर्नीचर इज अपियरिंग एट 12,000, इसका 10% मतलब 1,200 मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो यहां पे मैं लिखूंगी लेस डेप्रिसिएशन 10,800। ओके, और ये सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो डेबिट साइड पे चलते हैं, यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट इज 1,200। ओके, ऑल राइट। थर्ड देखो क्या है एडजस्टमेंट, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। तो देखो एडमिशन फीस तो हमने पूरे बैलेंस शीट में डाल दी है, डोनेशन का 50% कैपिटलाइज करना है, तो डोनेशन कितने पे दिख रहा है देखो इनकम एक्सपेंडिचर में 18,000 पे दिख रहा है, इसका 50% दैट मीन्स 9,000 रुपीज मुझे कैपिटलाइज करना है बैलेंस शीट में एड करना है, तो लेस कैपिटलाइज बचा कितना 9,000, और ये 9,000 का सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड होगा, तो मुझे यहां पे लायबिलिटी साइड में चलना है और ऐड करना है डोनेशंस कैपिटलाइज्ड अमाउंट इज 9,000 रुपीज। गेटिंग इट, ओके। आगे देखो अभी सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए हैं, कुछ बचा है क्या, लेट अस सी, नथिंग इज रिमेनिंग, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो अभी क्या करना है, अभी इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल करना है एंड लेट अस सी वेदर वी हैव अ डेफिसिट और अ सरप्लस। तो पहले हम रफ में टोटल करेंगे, लेट अस सी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ रही है, मेरे क्रेडिट साइड की टोटल है 54,000 और डेबिट साइड की टोटल है 8,660। That means credit side की total ज्यादा है, इसका मतलब मेरे पास surplus है, surplus will be 54,000 minus 8,660, जो amount आएगी that is my surplus, तो surplus मुझे income expenditure के debit side पे लिखना है, amount is 45,340, correct? यहाँ पे मैं total लिख लेती हूँ 54,000। और सरप्लस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो कैपिटल फंड में चलते हैं बैलेंस शीट में और यहां पे मुझे ऐड करना है सरप्लस अमाउंट इज 45,340।
ओके देखिए ये जो साल है यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, इसलिए हमें कैपिटल फंड की अमाउंट नहीं दी गई है। तो जो भी हमारा एडिशन करके टोटल आएगा दैट इज माय कैपिटल फंड। तो मुझे एडिशन करना है 12,000 प्लस 9,000 प्लस 45,340 दैट इज 76,340। ये मेरा कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम बैलेंस शीट की टोटल करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी साइड की। देखो लाइबिलिटी साइड पे तो और कुछ भी नहीं है, सो 76,340 इज माय लाइबिलिटीज टोटल। लेट अस सी एसेट साइड की टोटल क्या आ रही है। एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 76,340। ऑलराइट, तो देखिए बैलेंस शीट टैली हो गया है। देखो अपना प्रेजेंटेशन कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर बहुत अच्छी से समझ गया फिर भी आप जरूर कमेंट करिए, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब मैं आपके लिए लेके आया करूंगी। मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो सारे जो भी सम्स है, सारे जो प्रॉब्लम्स है आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।